गलवान विवाद चीन ने क्या पैदा किया, अब वही गलवान चीन के लिए सिरदर्द बन गया। जी हाँ, गलवान में भारत को छेड़कर चीन ने अपनी परेशानी बढ़ा ली और अब भारत एक से बढ़कर एक हथियारों से अपनी तीनों सेनाओं को लैस कर रही। जी हाँ, उसी कड़ी में भारत ने फ्रांस से खरीदे राफेल में परिवर्तन कर राफेल की ताकत में बढ़ोतरी की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि लगभग 60 से 70 किलोमीटर तक के लक्ष्य तक मार करने की क्षमता वाली हैमर मिसाइल को राफेल में लगाया जाएगा। सरकारी सूत्रों की माने तो हैमर मिसाइलों के लिए आदेश दिया जा रहा है और फ्रांसीसी अधिकारियों ने राफेल विमान के लिए छोटे से नोटिस पर उनकी आपूर्ति करने पर सहमति जताई। वायुसेना द्वारा इन मिसाइलों की तत्काल आवश्यकता के मद्देनजर फ्रांसीसी अधिकारी कुछ अन्य ग्राहकों के लिए मौजूद स्टॉक से मिसाइलों को भारत को देंगे। यहाँ पर जानकारी देते चलें कि हैमर मिसाइल एक मध्यम रेंज की एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, जिसे फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया था। सूत्रों ने कहा कि हैमर मिसाइल भारत को पूर्वी लद्दाख जैसे पहाड़ी स्थानों समेत किसी भी प्रकार के इलाके में किसी भी बंकर या शक्तिशाली ठिकानों को ढूंढकर उस पर हमला करने की क्षमता रखता है। यहाँ पर बताते चलें कि फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमान 29 जुलाई को भारत आ रहे। ये विमान 17 गोल्डन एरो कमांडिंग ऑफिसर के पायलट द्वारा उड़ाए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि गलवान के बाद भारत काफी सतर्क हो गया और इसीलिए अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए पूरी ताकत से काम में जुटा हुआ है।